अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप भी ठीक होंगे। और यहाँ जी मैं नाश्ता बना रही हूँ अबू बकर के लिए। वो दो सफ़ेदियाँ लेता है अंडे की और ना एक जर्दी लेता है। तो मैं अंडा डाल रही थी ना, पहले वाली अंडे की सफ़ेदी भी टूट गई और दूसरे की बटन जो है सेपरेट करने लगी वो भी टूट गई। तो मैंने चलो आज जो है ना उसको ऐसे में दे देती हूँ नाश्ता। तो मैं यहाँ उसके लिए अंडा बना रही हूँ, साथ ना बना रही हूँ ब्रेड। वो ना जिम कर रहा है आजकल, तो ना वो थोड़ी सी प्रोटीन की वजह से ना अंडे ज़्यादा ले रहा है। तो इस वजह से ना दो अंडे मैं उसको दे देती हूँ, लेकिन सर्दी उसको एक ही देती हूँ क्योंकि सर्दी थोड़ी गर्म होती है। तो इस वजह से सफ़ेदी वैसे भी जो करे होते हैं जिम, तो उनके लिए जो है ना वो एग वाइट जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर उसको ब्रेड बना के दे रही हूँ। और ना सुबह का नाश्ता ही जो है ना वो थोड़ा भरपूर करता है, बाकी दिन का इतना जो है ना वो खाना वगैरह नहीं खाता है। वही नाश्ता उसे होता है कि बस मेरी पसंद का जो है ना हो। आज वैसे तो पराठे खाता है, लेकिन आज पराठे नहीं मैं बनाए थे। मैंने कहा चले मैं ब्रेड देती हूँ। यहाँ मैं कुछ बाहर जा रही थी काम के लिए, हमने मोबाइल वगैरह पहना है। तो वहाँ से आने के बाद ना मैं लेस लेके आई थी सूट की। ये सूट मैंने पिछले साल लिया था जैनब के लिए। तो अभी ना इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मैं कह रही थी मैंने इसको सीने के लिए दे देती हूँ। तो जैनब ने मेरे पीछे पड़ पड़ के, नहीं मामा जी आप मेरा सूट सी दो, सीने आपको जैसा भी आता है ना आप सी दो, मैं पहन लूँगी, सीने के लिए ना दो। तो मुझे होता है कि चले मैं सीने के लिए दे देती हूँ कपड़े, मतलब सिल जाते हैं। लेकिन ना फिर आजकल में कितना रश हुआ है, तो दर्जी जो है ना वो भी देते देते ना काफ़ी टाइम लगा देते हैं क्योंकि तो शादियों का रश हुआ है। तो फिर जैनब के कह रहे हैं मैंने सूट की कटिंग कर दी ऐसे, तो मुझे डिज़ाइनिंग तो नहीं आती है, यही है कि थोड़ी लेस वगैरह लगा के मैं सूट बना देती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मुझे होता है कि चले सूट का प्रिंट थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ताकि अगर सिंपल सा सूट भी हो ना तो अच्छा लगे। और कैजुअल सूट तो वैसे भी सिंपल ही अच्छे लगते हैं घर में, क्योंकि कंफर्टेबल होते हैं बगैर डिज़ाइनिंग के। बिल्कुल सिंपल सूट पहने जाए ना, तो वो मैंने कटिंग की है। यहाँ अर्शिया की थी बर्थडे, तो हमने जो है पिज़्ज़ा मंगवा लिया, केक नहीं मंगवाया क्योंकि केक इतना खाया नहीं जाता है। तो यहाँ भी हम लोग जो है ना अर्शिया की बर्थडे का पिज़्ज़ा जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पिज़्ज़ा वगैरह खाया रात को, उसके बाद सुबह उठ के मैंने अपने लिए चिया पूड़ी बनाने लगी थी, क्योंकि वेट लॉस की वजह से ना मैं ये चीज़ें नाश्ते में थोड़ी यूज़ कर रही हूँ। नाश्ता थोड़ा सा मेरा हो जाता है स्पेशल, वरना बाकी तो जो दिन में पकड़े होते हैं वो भी खा रही होती हूँ। तो यहाँ मेरे दूध के अंदर चिया सीड जो है ना वो भिगो के रख दिए थे। और यहाँ मैं बनाने लगी बच्चों के लिए नाश्ता। चाय जो है मैं अपने लिए भी रख दी थी, क्योंकि जो चिया पुडिंग थी वो मैंने थोड़ी देर बाद ही खानी थी, फ़ौरन से नहीं खानी है। तो जब मैं बच्चों को नाश्ता देती हूँ साथ ही मैं अपने लिए थोड़ी चाय भी बना लेती हूँ। तो आज अब बकर को लेके आई थी मैं, उसके लिए मैंने लेके आई थी, वो बकर लेके आया था जो रोटी होती है ना तंदूर की, वो वाली वो उसको बना के दे रही हूँ, क्योंकि आटा मैंने अभी गूंदा नहीं हुआ था। तो यहाँ मैं इसको अंडा बना के दिया। अंडा डालने के बाद में याद आया कि अबू बकर ने ना मुझसे कहा था मामा जी मैंने ना फ्राई अंडा लेना है। तो फिर मैंने ना उसके लिए फ्राई अंडा लहदा से बनाया। तो मैंने कहा वैसे मैं डाला था मैं चिया पुड़ी नहीं खाऊंगी, लेकिन ना फिर मैंने कहा चलिए अब जैनब अशिया जो है वो भी नहीं खाती हैं नमक मिर्च वाला जो ऑमलेट होता है। तो फिर मैंने कहा चलिए मैं अब जो है ना वो बाद में खा लूँगी। तो मैं ना अबू बकर को फ्राई अंडा बना के दिया, साथ मैंने कहा चलिए मैं ब्रेड ले लेती हूँ और ना मैं ले लेती हूँ वही अंडा जो मुझसे ना गलती से बन गया। तो दो बने थे लेकिन मैंने एक ब्रेड ली थी क्योंकि मैं इससे फुल हो जाना था। तो अपनी चाय वाय डाई नाश्ता मैंने किया है। उसके बाद जी मैंने बनाया था हलवा। तो यहाँ मैंने रात को दाल भी गो दी थी जो चने की दाल है। तो फिर मैंने ना देसी घी के अंदर ये क्या कहते हैं इसको बादाम अखरोट नहीं नाम मुझे भूल गया, पिस्ता और इसको हाँ जी काजू, उसको मैं हल्का फ्राई कर लिया था। इससे ना बड़ा अच्छा टेस्ट बन जाता है, नट्स का क्रंची बनते हैं और ना फ्राई से बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। उसके बाद मैंने दूध डाला इसके अंदर, दूध डाल के मैंने इसके अंदर दाल जो भीगी थी वो डाल के इसको मैंने इतना पकाया कि इसका दूध खुश्क हो गया। फिर मैंने डाला देसी घी, और देसी घी के अंदर ना मैंने जो जो दाल थी ना उसको मैंने पीस लिया है, और इससे मैंने ऑयल में डाल के ना उसको अच्छी तरीके से जो है वो इसका पानी खुश्क कर लिया, यानी कि दूध था पानी था ही नहीं, दूध खुश्क कर लिया। थोड़ा सा मैंने डाला फूड कलर येलो कलर का ऑरेंज कलर का, तो यहाँ पर मैंने जो है उसका कलर जो है ना काफ़ी अच्छा सा हो जाता है इस तरह। तो मैं चीनी डाल के इसको इतना ज़्यादा भूनना है कि इसकी चीनी का पानी भी खुश्क हो गया और जिसका दूध था वो भी खुश्क हो गया, और इसमें से ना हल्का हल्का ऑयल निकलने लग गया। तो यहाँ भी हमारा जो है वो तैयार हो गया हलवा। तो इसके ऊपर ना मैंने जो नट्स बनाए थे उसको हल्का सा मैंने छुरी के साथ काट लिया, तो इसको गार्निश कर दिया इस तरह। तो बड़ा मज़े का ये हलवा बना है। मैं ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाती रहती हूँ सर्दियों में, इस तरह एकदम इकट्ठी नहीं बनाती हूँ, फिर ना ख़त्म नहीं होती, मुझे थोड़ी थोड़ी जो है ना शौक से खा लेते हैं। तो उसके बाद जैन मेरे पास बैठी हुई थी, उसके बहुत सारे कहने की वजह से ना मैंने ना एक कपड़े सीने शुरू किया, कहती मामा खाना बना लूँगी तो आप ना मेरे कपड़े सी दो। यहाँ मैं कपड़े सी रही हूँ, तो जैन जो है वो जो खाना उसको बनाना आता है ना, फिर उसने वो बना दिया। तो यहाँ उसने दही फुल्की बनाई है,
यहाँ क्या है, दही बूंदी, इसके अंदर प्याज डाले हैं ज़्यादा से हमें अच्छे लगते हैं, साथ टमाटर हरी मिर्ची डाली हैं। ये हमने बूंदी है ना हम लोग घर पे बना लेते हैं, जब से घर पे बनाने लगे हैं ना तब से हम बाज़ार से नाला बंद कर दी हुई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रेश बनती है अगर हम घर पे बनाएं ना, दही भले काफ़ी फ्रेश बनते हैं, बल्कि दही बूंदी। तो इसके अंदर मैं दही डाला है, मैंने नहीं जैनब डाली थी यहाँ पे, जैनब में डाले साथ ना थोड़ा सा नमक डाला, ज़ीरा डाला सफ़ेद वाला, और ना चाट मसाला डाल दी बस। वैसे चने भी अच्छे लगते हैं, इसके अंदर आलू भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें अच्छे नहीं लगते हैं इस वजह से हमने इसमें डालते नहीं, कुछ हमने चारों का खाने थे तो ये इस तरह अच्छी लगती है, तो ना इसने थोड़ा सा डाला। पर ये मैंने जो है ना शॉर्ट में चढ़ाई हुई वीडियो इसमें से, वो मैंने थोड़े से उसकी क्लिप इसके अंदर ले ली है, तो ये थोड़ा सा पुदीना डाला था, पत्ते जो है ना हल्के हल्के काट लिए थे, और ये ना उसकी थी खुबानी की जो है ना चटनी थी वो उस पर डाल दी है, और ये जैनब चावल बनाए बड़े मज़े के बनाए। जब मैं सिलाई वगैरह कर रही होती ना काम इस तरह का, तो जैनब को वो कहती हूँ जैनब आप ना खाना बना दो, जैनब खाना बना देती है, जैनब जो जो उसे खाना बनाना आता है, या फिर मैंने खाना बनाना हो ना तो जैनब जो है वो ट्रॉज वगैरह की जो है ना वो सिलाई कर देती है, क्योंकि वो ईजी होती है। इसलिए मेरी वीडियो खत्म हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।